अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा थ्योरम है, थ्योरम का नेम है रॉड्स थ्योरम, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है सभी स्टूडेंट्स ने। तो स्टेटमेंट की तरह चलते हैं, इफ़ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी आर एनालिटिक विद एन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी, और उसके ऊपर जो कंडीशन है जी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन एफ ऑफ जी मॉडुलस, ठीक है, ऑन कंटोर सी, जो कि क्लोज फॉर्म में होगा। कहते हैं कि दो फंक्शंस होंगे हमारे पास, एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी, जो कि एनालिटिक होंगे क्लोज कंटोर कर्व सी के अंदर, और उस पर जो कंडीशन अवेल कर रही है कि जी ऑफ जी का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन होना चाहिए ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ जी से, ठीक है, जो उसका मॉडुलस होगा, यानी जी ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन हो फंक्शन ऑफ जी का मॉडुलस से, जो कि कंटोर क्लोज कर्व सी में अटेन होगा, देन फंक्शन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी एंड आल्सो एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, मतलब दोनों फंक्शन का जो सम अप होगा हैज़ सेम नंबर ऑफ जीरोज इन साइड सी। कहता है कि आपके पास जो फंक्शन जी है, जी ऑफ जी और उनका जो सम है वो सेम नंबर जीरोज़ के लिहाज से अटेन होने चाहिए, वो सेम नंबर्स होने चाहिए, मतलब कि आपस में इक्वालिटी हो, कि जो फंक्शन दो आपने सम अप करने हैं वो आपस में इनसाइट की फॉर्म में सेम ऑर्डर रखता हो। तो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो आपने ये ना रीजन ड्रॉ कर लेना है कंटोर सी के लिहाज से, कंटोर सी की फॉर्म में ये रीजन डेवलप करवा दिया, और कंटोर सी के लिए आपने सी एब्रिवेशन लिखना है। कोई भी एनी अगर पॉइंट आप इस बाउंड्री के ऊपर लाई करवाएं तो उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करें तो वो ज़ीरो एनालिटिक के तौर पे अटेन हो जाएगा। अब इस रीजन के अंदर आपके पास दो फंक्शन होल्ड हो रहे हैं, फंक्शन एफ ऑफ जी है और दूसरा है जी ऑफ जी, ठीक है। तो एनी पॉइंट अगर आप डील कर रहे हैं उस रीजन के ऊपर, तो उसका अगर आप फंक्शन अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू एनालिटिक फॉर्मेशन में, तो वो जीरो आंसर क्रिएट करेगा एनालिटिक होने की वजह से, ठीक है। तो मैं ये आपको बात बताऊंगा कि ये फंक्शन है एनालिटिक की वजह से वो इस ए पॉइंट पे क्या अटैक कर सकता है। तो चलते हैं प्रूफ में। तो सिंस एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, ये आपने दो रिजल्ट हैं, ठीक है, ये आपने सिंस की फॉर्म में इसको अटेन करवाना है, ठीक है। हम इसको आगे फॉरवर्डली मूव करवाएंगे कि एफ ऑफ जी जो है और एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी आर नॉन ज़ीरो ऑन द बाउंड्री सी, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो फॉर्मेशन में होगा, तो बाउंड्री सी पे ये हैं। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसलिए आपके पास कोई ना कोई पॉइंट तो फिर ज़रूर होगा ना, ठीक है। अगर ज़ीरो होता ये एफ ऑफ जी फंक्शन और एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी दोनों, यानी कि एक ये वाला फंक्शन और ये इकट्ठा एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन अगर जीरो होते तो आपके पास बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लाई नहीं करवा सकते थे, जस्ट ओनली जीरो लेना था। लेकिन ये अब नॉन जीरो फॉर्मेशन में है तो हम कोई भी एनी पॉइंट इस बाउंड्री पे अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, तो वो मैंने चूज कर लिया ए। अब फॉरवर्डली मूव करना चाह रहा हूँ, इफ एट सम पॉइंट, कोई भी एनी पॉइंट आपने ले लिया ए ऑन कंटोर क्लोज कर्व सी, ठीक है, देन वी हैव काशी गॉडसैट थ्योरम। तो काशी गॉडसैट थ्योरम एनालिटिक फॉर्मेशन में उसकी बाउंड्री के ऊपर क्या कह सकता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन वन मान लेना है। तो गिवन डैट, ये आपको कंडीशन में दिया गया था कि जी ऑफ जी होल मॉडुलस लेस देन होना चाहिए ऑलवेज एफ ऑफ जी के मॉडुलस से, ठीक है। तो एट सम पॉइंट अगर आपके पास जी इक्वल टू ए होता है तो आप इस जी को ए से रिप्लेस करके कुछ इस सेंस में लिख सकते हो, ठीक है, तो ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद जो जी ऑफ ए है वो आपका जीरो हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा वो आपको मैं बताता हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। जब आप एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपका जी ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर टू मान लेना है। तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि कंट्राडिक्शन यहाँ पर इसलिए होल्ड कर रही है कि आपका कंडीशन में ये था कि जी ऑफ जो था ना जी ऑफ जेड मॉडुलस लेस देन था एफ ऑफ जी से, बट यहाँ पर तो ये हो गया कि एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए इक्वल आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो ये दो बातें अलग अलग हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के ये कंट्रावर्सली मूव कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जी वो लेस देन है और यहाँ पर ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है, जी ऑफ ए और एफ ऑफ ए इक्वल हो गए हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू मैं बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अगर इक्वल हो गए हैं जो हमने अभी ये प्रूव किया है, तो फिर ये बात तो कंडीशन के अगेंस्ट होगी, इसलिए ये कंट्राडिक्ट्री मूव कर रहा है,
तो जी किसकी कंट्राडिक्शन हुई है, वो इस बात की हुई है कि विच इज कंट्राडिक्शन डैट जी ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन एफ ऑफ जी का मॉडुलस ऑन सी। ठीक है, तो नाउ इफ वी टेक, अगर आप उन दो पॉइंट के जो फंक्शन को ऐड करते हो तो वो इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ ओ फे भी जीरो है और जी ओ फे भी जीरो है, इन दोनों को ऐड करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक वर्क करना है कि जी ओ फे को दूसरी साइड पे ले जाना है, वो माइनस जी ओ फे हो जाएगा। फिर आपने टेकिंग मॉडुलस उन बोथ साइड करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, एफ ओ फे का मॉडुलस इक्वल टू जी ओ फे का मॉडुलस। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, अब ये इक्वल हैं, लेकिन कंडीशन में तो था कि जी ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो किसी भी दूसरे फंक्शन एफ ऑफ जी से स्मॉल है। ठीक है, यानी जी ऑफ जेड लेस देन जी ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन एफ ऑफ ए का मॉडुलस, तो यहाँ पर तो ये इक्वल है। ठीक है, अगर जी की जगह आप ए पुट करके देखें तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन ये इक्वल है वो लेस देन है, इसलिए ये अगेन क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, विच इज ऑल्सो अगेन अ कंट्राडिक्शन। सो इट्स मीन डैट फंक्शन एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी आर नॉन जीरो बाउंड्री ऑन सी। ठीक है, तो इसका मतलब है सी पे कोई ना कोई पॉइंट तो फिर जरूर एग्जिस्ट करेगा। फिर आपने न्यू एक फंक्शन मान लेना है, नाउ लेट कैपिटल एफ ओ जी इक्वल है जी ऑफ स्मॉल जी ऑफ जी ओवर स्मॉल एफ ऑफ जी। ठीक है, आपने इसको आसानी के लिए ना अब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जी को थोड़ा सा स्किप कर लें, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल जी ओवर एफ। अब आपके पास ये दोनों कंडीशन एक ही हैं, ये वाला और ये वाला एक ही फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आसानी के लिए आपने ना इसका डिवीजन को कैंसिल करने के लिए स्मॉल एफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू स्मॉल एफ कैपिटल एफ। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो जी डैश इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो स्मॉल एफ कैपिटल एफ डैश प्लस स्मॉल एफ डैश कैपिटल एफ, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना है। उसके बाद आपने कुछ सपोजिशन करनी है, सपोज मान लिया कि कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जी एंड स्मॉल एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी इन साइड कंटोर सी। ठीक है, तो आपने कैपिटल एम को इस एफ ऑफ जी के लिए मान लिया है और इस कैपिटल एन को इस एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी के लिए मान लिया है। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपने इसको कंसीडर कर लिया है। तो उसके बाद आपने अब क्या करना है कि सिंस एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी आर एनालिटिक विद इन सी, तो ये एनालिटिक हैं दोनों। ठीक है, दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं कंटोर सी में, तो उसके ऊपर फिर एक थ्योरम यूज करना होगा एनालिटिक के तहत, जब दो फंक्शन आपस में डिस्कशन कर रहे हों, होल्ड हो रहे हों, तो कुछ मीरोमार्फिक उसमें होल्ड होगा, तो देन बाय यूजिंग थ्योरम, ये लेमा की फॉर्म में आपने यहाँ पे राइट करना है। जब आप कोई थ्योरम के अंदर एक और थ्योरम ऐड करते हो, एक लेमा यूज हो रहा है, क्योंकि आप रिजल्ट वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैंने ना एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, आपने इसको ऐसे ही फॉर्मेशन में राइट करना होगा। तो इफ एफ ऑफ जी इज मीरोमार्फिक इन साइड क्लोज कंटोर सी एंड हैज नो जीरोज ऑन सी, कहता है फंक्शन एफ ऑफ जी अगर मीरोमार्फिक है तो इन साइड कंटोर क्लोज कर्व सी के अंदर, तो हैज नो जीरो यानी कि नॉन जीरो फॉर्मेशन में है, तो उसके पास एक रिजल्ट कुछ होता है, वो कुछ रिजल्ट को कुछ इस फॉर्मेशन में इंट्रोड्यूस करवाता है मीरोमॉर्फिक की एक लेमा फॉर्मेशन में। तो एन माइनस पी इक्वल होगा 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल इंटेग्रल कंटोर फॉर्म में एफ एफ डैश ऑफ जी स्मॉल एफ डैश ऑफ जी न्यूमरेटर में ओवर स्मॉल एफ ऑफ जी डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल डी जी होगा। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी कि ये मीरोमॉर्फिक का एक रिजल्ट है, ये आपने इसको हमने लेके चलना होगा। तो वेयर इसमें कैपिटल एन क्या था, नंबर ऑफ जीरोज, और कैपिटल पी क्या था, नंबर ऑफ पोल्स इन साइड सी। ठीक है, ये इसके हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको अब कहने के प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी मीरोमॉर्फिक वाले रिजल्ट को, तो सो वी ऑब्जर्व डैट, आपने इस लेमा वाला जो रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया मीरोमॉर्फिक वाला, तो उसमें आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि कैपिटल एन और कैपिटल एन आपके पास दो नंबर ऑफ जीरोस सपोज किए थे, कैपिटल एम आपने फाइंड सपोज किया हुआ है फंक्शन जी के लिए और कैपिटल एन आपने सपोज किया हुआ है एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एम को आप मीरोमॉर्फिक रिजल्ट से जब मैचअप करोगे तो इसका कुछ मिक्सचर इस फॉर्म में बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल कंटोर फॉर्म में एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी। ठीक है, तो
अगर कैपिटल एन की फॉर्मेशन को आप मीरोमॉर्फिक फॉर्म में देखते हो तो 1/2 पाई आयोटा कंटोर तो क्लोज इंटेग्रल सी फॉर्मेशन में, तो एफ डैश ऑफ जी प्लस जी डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, ठीक है। तो एन की फॉर्मेशन में एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी था ना, तो न्यूमरेटर में डिफरेंशियल होते हैं और डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल के बगैर, ठीक है, विदाउट। तो डी जी इसको आपने क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले को एम वाले को आपने क्वेश्चन नंबर 5 मान लेना है और एन वाले को आपने क्वेश्चन नंबर 6 मान लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 6 को 5 में से सबट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को या 6 को 5 में से सबट्रैक्ट करने पर आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। 1/2 पाई आयोटा दोनों में कॉमन था, ये आपने कॉमन ले लिया है। उसके बाद ये रिजल्ट बना। इस रिजल्ट बनने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर जो जी डैश आ रहा था उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। फ्रॉम ये मैंने लिखा हुआ है यूजिंग 3 एंड 4। जी डैश की वैल्यू है ये वाली स्मॉल एफ कैपिटल एफ डैश प्लस स्मॉल एफ डैश कैपिटल एफ। ये जो फर्स्ट वाला एफ डैश था एज इट इज़ है, ये डिनोमिनेटर में भी स्मॉल जी आ रहा है उसकी वैल्यू भी लगा दी स्मॉल एफ कैपिटल एफ। उसके बाद ये रिजल्ट आपके पास सारे का सारा एफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ कॉमन लेना है इसमें, तो न्यूमरेटर वाले में देखेंगे एफ डैश स्मॉल जो है ना कॉमन आ रहा है, तो 1+f हो जाएगा, और ये वाला ना स्मॉल एफ और कैपिटल एफ डैश ये साथ में ऐसे ही आ गया, और डिनोमिनेटर में स्मॉल एफ कॉमन आ रहा है तो आपका ब्रैकेट में कॉमन पार्ट अनकॉमन में आ जाएगा 1+f। उसके बाद ये एज इट इज ही आ गया। उसके बाद क्या किया आपने ना डिवाइड को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो जब सेपरेट करेंगे तो एफ डैश यानी कि इतने पार्ट को एक पार्ट मानना है और इतने से को सेकंड पार्ट मानना है, तो जब डिवाइड को सेपरेट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी। ये देख लें स्मॉल एफ डैश इंटू 1+f ओवर स्मॉल एफ इंटू 1+f ठीक इंटू डिफरेंशियल जी और क्लोज कंटोर इंटेग्रल सी की फॉर्मेशन को आपने दोनों के साथ लिखना भी होगा। तो कंटोर इंटेग्रल सी स्मॉल एफ कैपिटल एफ डैश ओवर स्मॉल एफ इंटू 1+f ठीक इंटू डिफरेंशियल जी, और ये एज इट इज ही आ गया, ठीक है। उसको कुछ कैंसिल आउट होंगे, ये कटिंग की, कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ ये फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये फॉर्मेशन के बाद आपके पास ये वाला पार्ट पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है, ये कैंसिल आउट हो गया। कटिंग करने के बाद आपके पास ओनली ऑन ये पार्ट बचेगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। जब ये पार्ट बचेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा कैपिटल एन माइनस एम इक्वल 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ओवर 1+f इंटू डी जी। तो इसको क्वेश्चन नंबर 7 मान लेना है। अब आपने यहाँ पर एक और रिजल्ट यूज़ करना है, सिंस 1+f इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें ये 1+f इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आप मान लेते हो ठीक है तो फिर ये आपके पास इन्फिनिटी आंसर जनरेट करेगा। लेकिन आपको तो पता है कि कंटोर क्लोज बाउंड्री जो थी आपके पास कंटोर सी की, वो आपके पास नॉन जीरो बाउंड्री होल्ड कर रही है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट तो ज़रूर है, ठीक है। वो मैंने आपको सपोज करके बताया था एट सम पॉइंट ए, तो ये 1+f इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन जीरो होगा क्लोज कंटोर सी पे, तो देयर फोर आप कह सकते हो कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में इंटेग्रल की जो कंसंट्रेशन में है ना कि एफ डैश ओवर 1+f, ये आपके पास एनालिटिक होगा ऑन सी पे, ठीक है। तो जब ये एनालिटिक सी पे होगा तो आप इसके ऊपर काशी थ्योरम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये वाला पार्ट जो होगा आउटसाइड रीजन चला जाएगा ये वाला, क्योंकि ये नॉन जीरो पार्ट है, तो ये जब नॉन जीरो पार्ट होगा तो आउटसाइड बाउंड्री पे लाई कर जाएगा, इनसाइड नहीं जा सकता। तो सो बाई यूजिंग काशी थ्योरम आउटसाइड फॉर्मेशन में, काशी थ्योरम ये कहता है कि क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ओवर 1+f डिफरेंशियल जी इज इक्वल टू 0 होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में इतने पार्ट की जब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल एन माइनस एम इक्वल 1/2 पाई आयोटा इज इंटू 0। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 0 के इक्वल, तो कैपिटल एन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये आपके पास दोनों इक्वल हो गए हैं। अब देखें कैपिटल एन आपके पास था एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी का सम और कैपिटल एम था एफ ऑफ जी, तो दोनों फंक्शन आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इनके सेम नंबर ऑफ जीरोज होल्ड हो रहे हैं। तो हैंस वी से डैट एफ ओ जी एंड एफ ओ जी प्लस जी ओ जी हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज इन साइड सी, ठीक है। तो ये सेम नंबर होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हम अपने रोचस थ्योरम को कम्प्लीटली प्रूव कर दिया है। आई होप ऑल डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इजीली मुझसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। ओके जी,
स्टे ब्लेस्ड।